नमस्कार, मैं विकास त्यागी स्वागत करता हूं आपका एग्जाम पावर 247 पर। और देखिए, एक ये सवाल है जो आपको एग्जाम में, अगर आप इस सवाल को सही से नहीं पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। पढ़ना क्या है आपको, देखो, सिलेक्ट द सेक्ट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज देयर नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो आपको उसने तीन नंबर दिए, दो नंबरों के सेट दिए हुए हैं, एक सेट और ये दूसरा सेट। ठीक है भाई, ये दो सेट दिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों सेट जो हैं वो किसी ना किसी किसी सेम पैटर्न पर सेट होंगे भाई। ठीक है ना भाई, वो किसी सेम पैटर्न पर सेट होंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा सेट है जो उस सेम पैटर्न पर सेट है भाई। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है भाई कि इन चारों में से वो ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सेम पैटर्न पर सेट है। ठीक है, वो आपको पता करना है। चलिए भाई, पता करते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं, पहला क्या आपका 36, 90 और 18। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 36 में से 18 गए तो कितना बचेगा भाई, 18 बचेगा। ठीक है ना, और अब इस 18 की मैं गुना किससे कर दूं, 5 से, कितना आ जाएगा मेरा 90। ठीक है, पहले ऑप्शन से तो मुझे ये पैटर्न कुछ कुछ नजर आ रहा है। चलिए भाई, अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, दूसरा ऑप्शन है मेरा 15, 35 और 8। अब यहां पर मैं 15 में से 8 घटा देता हूं अगर, तो कितना आता है भाई 7, और इस 7 की गुना करी 5 से, कितना आएगा 35। तो ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब मेरे पास जो एक पैटर्न आया वो क्या आया, अगर मेरे पास तीन नंबर हैं ए बी और सी, तो अगर मैं इनको ए में से सी घटाऊं और किससे गुना करूं 5 से, तो मेरा कितना आना चाहिए, भी आना चाहिए भाई। ये पैटर्न सेट हुआ। ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, पहला ही ऑप्शन उठाता हूं अगर मैं, 14 में से कितना गया 5, कितना आएगा 9, और अब इस 9 की किस में गुणा करूं 5 में, कितना आना चाहिए 45। यहां पर भी मेरा क्या है 45 है, तो यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही सेटिस्फाई हो गया। एक इस पैटर्न पर सवाल आते हैं भाई, इसी में दूसरा पैटर्न क्या होता है वो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता है भाई, वो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता है। और बच्चे क्या करते हैं कि पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं और उसके बाद में बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करते हैं और ऊपर वाला पढ़ते नहीं है भाई। तो वो ऊपर लिखा होता है कि जो नीचे तीनों ऑप्शन है वो सेम पैटर्न पर सेट है, वो पहले से ही सेम पैटर्न पर सेट है, केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो उस पैटर्न को बिलोंग नहीं करता है, समझ रहे ना। और ऐसे ऑप्शन को वो कभी भी पहले नंबर पर नहीं रखता है, या तो दूसरे पे रखेगा या तीसरे पे रखेगा मैक्सिमम टाइम। उसका एक रीजन है, वो क्या, एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर सोचता है कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाए, तो बच्चा या तो ऊपर से ऑप्शन चेक करेगा या नीचे से मैक्सिमम टाइम ऑप्शन चेक करता है। तो अगर वो पहले वाला ही सही दे देता है कि पहले वाला ही सेट कर दिया गया है उसने, और बच्चे ने ऊपर सही से पढ़ा नहीं है कि एग्जामिनर ने बोला हुआ है कि जो इस पैटर्न को बिलोंग नहीं करता है उसको टिक करो, ठीक है, तो बच्चे को लगेगा कि मेरा पहला ही ऑप्शन ठीक है, वो टिक कर देगा। या बहुत सारे बच्चे नीचे से डी से ऑप्शन चेक करना शुरू करते हैं, तो वहां भी वही सिचुएशन आती है कि जो नीचे करेक्ट मिलेगा बच्चा टिक कर देगा, लेकिन बच्चे ने ऊपर तो पढ़ा ही नहीं कि तीन ऑप्शन तो ऐसे थे जो इस पैटर्न को बिलोंग करते थे, केवल एक ऑप्शन ऐसा नहीं था जो इस पैटर्न को बिलोंग नहीं करना था और वो टिक करता, वो टिक करना है। तो बच्चे यहां पर बहुत सारी गलती करते हैं। तो आप अपने 2 सेकंड लगाकर इस लाइन को पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि एग्जामिनर ने क्या बोला हुआ है भाई। ठीक है, यहां पर ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद मेरा ये नहीं होता है कि मैं आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं, मेरा मकसद ये होता है कि इन क्वेश्चन में आप जो गलतियां कर सकते हैं या इन सवालों को आप
किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं वो सिखाना मेरा आपको मकसद होता है। मेरा ये मकसद कभी भी नहीं होता है कि मैं इन वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको दे दूं। सॉल्यूशन कभी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है कि आप इन सवालों से कम अपनी गलती सीख लें कि हाँ ऐसे सवालों हम ये गलती कर सकते हैं, या इन सवालों को आप किस अप्रोच से जल्दी कर सकते हैं, ये मेरा मकसद होता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही और सवालों के लिए मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।